सत संगत अज मेरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब है। सुखां का दाता मेरा सतगुरु, सारिया बख्शिशां देण वाला, दुखां नूं मेटण वाला। पंज प्याले पंज पीर छटम पीर, बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट के, मूरत हरगोबिंद सवाई। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारों बार, दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोदा वो पर उपकारी। नहीं आख्या गुरु हरगोबिंद साहब वर्गा ना कोई महाबली जोदा होया ते ना अगों हो सी। इस वेले माता गंगा जी प्रसाद लेके गए बाबे बुढ़े दे पास, ये भी सुमत गुरु अर्जन देव जी ने दिती अखर श्री। आख्या गंगा तू दास ना, बेशक पृथ्वी चंद साडा वड्डा भाई है, उन्हें सानू शराप दिता है कि इन्हां दे घर पुत्र नहीं होए, पर तू गुरु प्यारे दी गुरसिख दी उस ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख नू प्रसाद छका जिदी रसना ते गुरु नानक बैठा। अच्छा तेरा गुरसिख वो कौन है प्यारा जो तेरी नजर विच प्रमाण है? तां गुरु अर्जन देव जी बोले ओ गुरसिख प्यारा है गुरु नानक दा प्यारा बाबा बुढ़ा जी। बाबे बुढ़े साहब नू जाके प्रसाद पहला वारी गए तो प्रसाद ना छके, दूजी वारी समत दिती साहब ने अपने हथी चक्की पीवो मिसे प्रसादे बनाओ कुछ गंडे ते लस्सी ले जा। माता गंगा जी कले सारा प्रसाद तैयार अपनी हथी कीता, सिर ते चुक के अमृतसर तो बाबे बुढ़े की भीड़ पैदल गए। कई मील रस्ता है साथ संग महाराज जी कहते सन असी तो मोटर ते जाते भी थक गए। तन माता गंगा तू सिर ते प्रसाद दा टोकरा, क्योंकि मेरे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने आख्या गंगा जी सिख नू इस भावना नाल प्रसाद छकाउणा कि ये प्रसाद मैं गुरु नानक नू छकाण चली हां, क्योंकि गुरसिखा अंदर गुर सतगुरु वरते। ते बाबे बुढ़े ने जिस वेले आके माता गंगा जी तो अगों आके प्रसाद दा टोकरा लै लिया ते आख्या आ जे मां अपने बच्चियां दी संभाल नहीं करेगी तां कौन करेगा। ते प्रसाद छकिया बाबे बुढ़े ने ते गंडा मां ने गंगा माता ने पल्ले नालों गंडे भी खोल के कुछ अगे रख दिते। आख्या आह मां गंडे भी लियाईए तां स्वाद बन गया आनंद बन गया, नाले मिसे प्रसादे छकन नाल लस्सी दा घुट भरन। एक गंडा चुक के जां अपने गोडे दी छूनी ते रख के जोर दा मुक्का मार के ओ गंडा भन दिता ना प्याज तोड़ दिता। ते आख्या मां तू क्यों चिंता करनी, अज वी असी गंडा भन्ने आ ना तेरे घर ओ महाबली जोधा सुपुत्र आएगा, जिवें असी गंडा भन्ने आ इवें जालमां दे सिर भन्नेगा। सात संगत जपो श्री। बाबे बुढ़े दा बार आख्या सिर ते कलगी सजाएगा, मेरी पीरी दियां दो तलवारां पहने, अज तक किसे ने मेरी दी पाई है जां पीरी दी? ओ मेरी पीरी दा मालक हो सी। जिस वर्गा ना कोई सानी होया ते ना उस वर्गा कोई होर सानी हो सी। आज मां बड़ी खुश है, बोलन दा मौका ही नहीं दिता ते बाबा जी ने वरा नाल बख्शिशां नाल चोली भर दिती अखर श्री। घर आए गुरु अर्जन देव पातशाह ने वेख्या ते आखन लगे गंगा जी जापद है अज मुरादां पूर्ण करके आए हो, पातशाह तेरी दसियां जुगती। फिर बाबे बुढ़े दा वार आज ओ महान गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़े दे वार नाल सात संगत गुरु हरगोबिंद साहब दा अवतार होया। उस बाबे बुढ़े दे वार नाल आज ए गुरपुरब दा दिन गुरु कीआं संगतां नूं नसीब होया।
जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश आगमन होया, पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने शब्द उचारे, आसा महला पंजवां, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरे माए आए किया निवास, माता के मन बहुत विगास, जमिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब में लिखिया दुर्गा, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, दस महीनियां पिछे बालक ने जन्म लिता, दसी मासी दस मास मतलब दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया शोक मां आनंद थिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहेब के मन भावे, बदी वेल बो पीड़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुर दिवाया, भय अचिंत एक लिवलाया, ज्यों बालक पिता ऊपर करे बो मान, बुलाया बोले गुर के पान, गुजी छन्नी नाई बात, गुरु नानक तुठा इनी दात। गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, जेड़े निराश हो गए ना, जिन्हां औलाद नहीं मिली, ओ निराश ना हो, आसावंद हो जाओ, गुरु नानक दे दर ते आओ, नितनेम करो, गुरु की बाणी गुरु के शब्द का गायन करो, गुरु नानक तुहाडियां भी चोलियां पर देगा, ए ओ दर है साचे साहिबा, क्या ना ही घर तेरे। आ बीबी सुलखणी आई सी ना एक पुत्र मंगण छेवें पातशाह, गुरु हरगोबिंद साहब के दर तो, मेरे पातशाह ने सत पुत्रां दी दात चोली विच पाई, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मेरी पीरी दे मालक, जिस वेले जहांगीर बादशाह दे नाल सैर ते गए, राह विच एक थां ते रात पई, ते मेरे पातशाह दे भी जो सेवक नाल सन, सिख नाल सन, संगतां सन, सोने तंबू लग गए, एक पासे मेरे पातशाह तंबुआं विच दीवान लाई बैठे ने, दूजे पातशाह दूसरे पासे जहांगीर बादशाह दे तंबू विच सात संगत विकार विकारां वाले काम हो रहे ने, अख श्री उत्थे मद दे शराबां दे प्याले चल रहे, माड़ियां सोचां हो रही, पर सतगुरु दे दरबार विच संगतां कीर्तन विच जुड़ियां, जप रहीयां श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का दर्शन करके, संगतां नदरी नदर निहाल हो रही, गुरु के कीर्तनीय शब्द गा रहे हैं, सात संगत जपो श्री। एक गुरु का सिख गरीब है बेचारा, का कटदा बाजार विच वेचदा ते करदा गुजारा करदा, काइया है सुनिया मेरे सतगुरु छेवें पातशाह, मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी इस नगर विच आए दर्शन करन, अमीर होंदा दुशाला लै जांदा, कोई होर कीमती पदार्थ लै जांदा, कोई माया दा बोती अर्पण करदा, सेवा विच मैं गरीब हां की लै जावां, आख्या चलो काइया हां ना घा कटन वाला, गुरु दे घोड़े वास्ते एक घा दी पांडी लै चला, अख श्री ते दिन दी मजूरी दा एक टका, उस वेले टके पाइया चलदे सन, एक टका गुरु दे लंगरां विच पेटा, ते एक घा दी पांड सतगुरु दे घोड़ियां वास्ते, सिर ते चुकी पांड हाथ विच है एक टका, ते तुरदा तुरदा जिस वेले आया ना, ते सात संगत जाना सी मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दे दीवान वाल, जिथे उथे तंबू लगे सी, पर राह भुल गया, ये बादशाह जहांगीर दे तंबू वाल चला गया, अख श्री अगे पहरेदार खड़ोते, उन्होंने ठाकिया रोकिया, अंदर नहीं जा सकते, अंदर बादशाह बैठे, आख्या मैनू एक बारी दर्शन कर लिया, मैं बड़ी दूरों आया,
मैं सच्चे पातशाह दे दर्शना बिना नहीं जा सकता, मैं भेटा लियाया अर्पण करने। बादशाह ने अंदर आवाज सुनी, समझ गया ये कोई गुरु का सिख है, राह भूल के सतगुरां वाल नहीं गया, मेरे तंबुआ वाल आ गया। बादशाह ने अंदरों सेवादार प्यारेदार भेजिया, भाई इन्हू रोको नहीं, अंदर भेजो। सिख अंदर आया, पहला इसने कदे दर्शन किते नहीं सन गुरु हरगोबिंद साहब, पहली बारी आया। एक बादशाह जंगीर नू पिया सच्चा पातशाह समझदा, अख श्री का दी पंड अगे रखी, एक टक्का रख के अगे मत्था टेकी ते आखिया, सच्चे पातशाह तेरे दर ते मैं आया ए मंगन, मेरा जन्म मरण कट दे। अख श्री बादशाह ने आख्या, सिखा भुल गया, मैं सच्चा पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब नहीं, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह जहांगीर हूं। उना दे तंबू सामने लगे, सिख ने जदों सुनिया, मैं गलती नाल इत्थे आके नमस्कार भी कर बैठा, चट उठ खड़ोता, आखदा सच्चे पातशाह मैं भुल गया, मैं भुल गया कि बादशाह नू नमस्कार कर बैठा। जिस वेले उठिया ते टका भी चुक लिया, का दी पंड भी चुक ली, बादशाह जहांगीर ने आखिया, सिखा मेरी एडी निरादरी दा ना कर, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, ए टका मेरे अगों ना चुक, इदे बदले जितनी दौलत आखें दे, जितनियां जागीरां आखें तेरे नां लिख दिया, हीरे मोतियां नाल चोलियां पार देवां, पर ए टका मेरे अगों चुक के मेरी निरादरी ना कर। गुरु का सिख कहन लगा, बादशाह तू अपनी थां ते ठीक है, पर मैं भूल गया, जे देना है तो मैनू हीरे जवाहरात मोती नहीं चाहिए, कोई जागीरां नहीं चाहिदियां, धन नहीं चाहिदा, बादशाह जे कर सकना मेरा जन्म मरण काट दे। आखिया ओ मैं नहीं कर सकदा, ओ बख्शिश गुरु हरगोबिंद साहब भी कर सकदे। अख श्री सिख उथों तुरिया, सतगुर दे जिथे दीवान लगे सन, बार संगतां नू जी आयां नू करन वास्ते सेवादार खड़ोते। अख श्री गुरु घर विच सेवादार भी ऐसे ही चाहिए जेड़े संगतां नू हाथ जोड़ जी आयां नू आख। कई सेवादार खलोते तां हुंदे न सेवा ते, पर संगतां नाल बड़ा कौड़ा बोलते, मिठ बोलड़े सतगुर दा सेवादार होवे ते कौड़ा बोले संगतां नाल। अख श्री प्रभु ते जन जनी जे जन ते स्वामी, सेवक तो स्वामी दी पहचान होंदी है ते स्वामी तो सेवक दी। अख श्री संगतां दे जी आयां नू करन वास्ते बार गुरु के सेवादार खड़ोते न। आओ गुरु कियां संगतां जी आयां नू, आओ गुरु दे दर्शन मेले करो। अख श्री ए समझ गया, ए मेरे सच्चे पातशाह दा दरबार है जिथे किन्नू ठाकिया नहीं जा, किन्नू रोकिया नहीं जांदा, सारियां नू जी आयां नू आखिया जांदा। सिख अंदर गया, कीर्तन हो रहा, संगतां कीर्तन दी धुन विच झूम रही हैं, मेरे सतगुर दे नेत्र बंद खन। सिख ने जाके टका अगे रखिया, मत्था टेकिया, का दी पंड रखी, जिस वेले मत्था टेकिया ते सिर उत्ते चुकिया ते गुरु हरगोबिंद साहब ने नेत्र खोले ते आखिया, सिखा निहाल निहाल निहाल। अख श्री संगतां बड़ियां हैरान होईयां, भई एक टका लै के आया ते एक घा दी पंड लियाया ते मेरे पातशाह तीन वारी पे निहाल उन्हूं आख दिन, कोई तां गल हो सी। पातशाह संगतां ने बेनती कीती, भेद ना खोल सी। गुरु हरगोबिंद साहब मुस्कराए, कहन लगे ए ओ प्यारा गुरसिख है जिन्हें
बादशाह जहांगीर दियां जागीरां नूं धन नूं हीरे मोतियां नूं लत मारी ते गुरु दी शरण विच आके गुरु तो नाम दी दात मंग रहे है। अखर श्री मैं इस ते प्रसन्न हां, मैं इस ते खुश हां। इसकी भावना दा ए टका भाई गुरदास जी आखदे ना, भावनी भगत पाए कौटी अगर भाग राखे ताहे गुर सर्व निदान दान देता। सतगुरु जी ने नदर कीती मेर दी उस गुर सिख वाल, जिसनु तेरी नदर न लेखा पुछी, जिसनु तेरी खुशी तिन नौ निद पुंची है, जिसनु तू प्रभ वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनु तेरी मेहर सो तेरी बंदगी, जिसते तेरी मेहर हो सी ओ तेरी बंदगी विच लगी जा सी। सिखा मंग की देवा सानू पता है तू बादशाह जहांगीर दियां लालचां विच नहीं आया। कई ओ भी होंदे ने जेड़े इन्हां लोटियां दे पेंदे नहीं होंदे, जिथे नफा जिथे वेख्या प्रॉफिट जिथे वेख्या लाभ ओ पासा छड़ के दे दूसरे पासे चले जांदे। पर सच्चा गुरु का सिख आखदा राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। महाराज जी धारना पढ़ते सन, जी मेराज मुक्ति नहीं मंगदा प्रीति तेरे चरणा दी, वाहे गुरु।
सतनाम श्री वाहे गुरु। साध संगीत जपो श्री गुरु के चरणां दी प्रीत ए पागवाना नू प्राप्त है। गुरु के चरण जिथे मंगने नाल चरणा दी प्रीत भी मंगनी। धन बाबा नंद सिंह जी बचन करते सन, जिथे गुरु नानक साहब के चरण मंगते हो नाल चरणा दी प्रीत भी मंगया कर। क्योंकि कई बार कोई शह सी मंग लईए मिल जाती है पर उस नाल प्रीत नहीं होंगी, फिर अनप्राप्त भी हो जाए उसका लाभ नहीं होंगे। इस वास्ते चरण भी मंगने सतगुरु के ते नाल बेनती करनी है सच्चे पातशाह चरणा दी प्रीत भी दे। जिमें कोई महापुरखा दे पास गया उन्होंने नितनेम का गुटका दिता, सुखमनी साहब का गुटका दिता, लै लिता गुटका लिया के घर अलमारी विच रख दिता। पर कहना यह सी महापुरखो सतगुरां की अरदास करो जे आ नितनेम दा गुटका दिता जे झोली विच पाया जे नितनेम तां नाल नितनेम नाल प्यार भी बख्शो ते नितनेम करन दा बल भी बख्शो। क्योंकि जे प्यार नहीं होएगा तां दो चार दिन कम ओ करांगे बद्दा चट्टी होएगा। पर जिस चीज नाल प्यार होवे प्रीत होवे, हाँ जिन्हों दुकान नाल प्रीत है सिमें किमें कम ते दौड़ जाते, भावें संगत विच आवन ना आवन दफ्तर जरूर जाना अखर श्री। क्योंकि प्यार उत्थे लगे प्रीत उत्थे लगे। पर जिन्हों की प्रीत गुरु के चरणों विच लगी है वह आखदे ने भावें कम ते देर नाल भी थोड़ा पहुँच जावा किसे वेले पर गुरु का दर्शन मिस नहीं करना, नितनेम अपना मिस नहीं करके जाना। क्योंकि इस नितनेम ने ही मैनू अगे भाग लाने, ये गुरु के दर्शना ने ही मेरे अगे राह सुखेले करने, मेरिया औखियां घड़ियां कटनियां। अखर श्री ये प्रीत दी बात ते महाराज जी बचन करते सन, जहां प्रतीत है वहीं प्रतीत है, जहां प्रतीत है वहीं प्रीत है, जिथे प्यार है उत्थे ही भावना है और जिथे भावना है उत्थे ही ता प्यार है। अखर श्री आ भावना सी ना सिख दे मन विच, बादशाह दे पदार्थां नूं ठोकर मारी गुरु हरगोबिंद साहब दे दर ते आके पातशाह दे कोलों की मंगिया। साहब ने आख्या सिखा मंग की देवां, हाथ जोड़ गुरु का सिख बोलिया पातशाह तुठ है ता मेरा जन्म मरण कट दे, मैं मुड़ जन्म ते मरण दे गेड़ विच ना पवां। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग गई चिर भयो दर्शन देखे। चिर पिछे ता तेरे दर्शन होए ते हुण मैं दुनियावी चीजा मंग के फिर तेरे तो वखरा हो जाऊं। अखर श्री फिर दुनिया के पदार्थ ते शौहरत ते महल माड़ियां ते तियां पुत्र मंग लवां सब कुछ, ते अंत वेला मेरा आवे ते ध्यान उसे ही पासे लगे ते फिर जन्मां दे गेड़ां विच प्यार मां पातशाह। दुनिया भी पदार्थ जे मंग भी लवांगा तां समझ लो ये तेरे कोलों वखरा होण दी गल हो रही है। हुण वखरा ना करो मेल लो जन्म मरण कट दे, उवें तेरी मर्जी दुनिया दे सुख दे ना दे पर एक बेनती है अपना नाम जरूर नाल दे, नितनेम दे नाल। मेरे पातशाह प्रसन्न होए आख्या सिखा गुरु नानक दे घर विच दोनों ही पदार्थ, सतगुरु लोक भी सवार सकदा है सतगुरु परलोक भी सवार सकदा है। तेरी भेटा गुरु नानक दे दर ते प्रवान हो गई क्योंकि जिस भावना नाल तू आया है वो भावना बड़ी है। अखर श्री महाराज जी आके दिन सन गुरु ने तेरे प्रसाद दे टोकरे दा साइज नहीं देखना, वो कितना बड़ा लिया है
उन्हें तो भावना वेखनी है। अख श्री लिया की है सिख एक कौड़ी ते नाल एक घा दी पंड गुरु दे कौड़ियां ते प्रवान हो गई। मेरे सतगुरु मुस्कराए आख्या सिखा गुरु नानक दे दर ते आए तेरी सेवा कबूल तेरा जन्म ते मरण आ दोनों सवर जानगे। अख श्री लोक दे भी सुख दिते पर लोक भी तेरा सुहेला हो सके। एक साखी महाराज संत सुजान सिंह जी सुना दे पूर्णमाशी दे दिन एक कारीगर बाबा नन सिंह जी लई एक लोहे दा गडवा बना के लिया। अगे पदार्थां दे ढेर लगे सन पूर्णमाशी ते बाबा जी दे पास पदार्थां दा सूरज चढ़िया हुंदा सी। एडे पदार्थां दे ढेर लगे गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी विच एडे पदार्थ आउणे ते धन बाबा नन सिंह जी दा जीवन सब तो उच्चा आसन गुरु ग्रंथ साहब उस तो नीवा कीर्तन करन वालियां दा सारा हाल संगत दा मैदान भरिया होना संगत नाल ते बाबा नन सिंह जी डेढ़ फुट टोवा पुट के विच बैंदे सन ते आखदे सन गुरु नानक मैं तेरिया संगतां दे विच बरोबर बैठन जोगा भी नहीं। आख श्री एडी निम्रता कारीगर लोटा बना के लियाया लोहे दा गडवा शर्म कर गया सब दे सामने किवें दे कल्ले होणगे बाबा जी तो भेटा करांगे। दीवान दी समाप्ति होई कीर्तन दी बाबा जी अंदर जान लगे अंतर जामे निगाह पै गई कारीगर ते लोटा लई बैठा है। बाबा जी कहन लगे बड़ा सुंदर लोटा लियाए किस वास्ते लियाए। कहन लगे भाई एक लोटा सानू भी इवें जा बना दे। अख श्री वो कारीगर रो पिया कहन लगा बाबा जी मैं तो लियाया ही ये लोटा तुहाडे वास्ते। कहन लगे लियाया से तो फिर दिता क्यों नहीं। शर्म आ गई पदार्थां दा ढेर वेख के बाबा जी ने लोटा लै लिया भाई तेरी प्रेमा भेट प्रेम की भेट है मंग तेनू की देई गुरु नानक दे दर तो। कहन लगा बाबा जी मेरा जन्म मरण कट दे। बाबा नन सिंह जी हस पे कहन लगे की मंगी है। बाबा जी मेरा दरगाह विच लिखा ना कोई पूछे मेरी कल्याण कर दियो। बाबा नन सिंह हस पे कहन लगे कल्याण तो साडे निंदकां दी भी हो जाए भाई मुख तो नाम तो लैणगे ना साडा कल्याण तो साडे निंदकां दी भी हो जाए। लोटा तेरा गुरु नानक दे दर ते प्रवान हो गया सिखा तेरी चोली विच गुरु नानक नाम दी दात भी पावे ते संगत दी कड़ी भी पावे ते दुनिया दे सुख भी तेनू गुरु देसी। अख श्री क्योंकि जिथे नाम है बाबा जी क्या करदे सन उत्थे सारे सुख और जिथे नाम नहीं उत्थे कुछ नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नदर कीती उस काइये दी चोलियां भर दित्तियां घर नूं जा रहा है राह विच एक शब्द गांदा जांदा है की आखदा है जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो सच हो
था